अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग कह रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी तरह का जो पेज है उसकी इन्फॉर्मेशन को आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, एसईओ के प्रस्पेक्टिव से उसका टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और टैब के ऊपर जो टाइटल शो हो रहा होता है उस पेज को उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीज़ें देखी हैं, एक एक मॉड्यूल हमने देखा है किस तरह से उसको एडिट करना है, उसके अबाउट की क्या क्या ऑप्शन मौजूद है स्क्वायर स्पेस के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ पे आप बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक स्क्वायर स्पेस सीख सकते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने पेज की इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखिए हमारा जो पेज है वो अभी तक एडिटिंग मोड के अंदर है। तो हमें क्या करना है, सिंपल एडिटिंग मोड को एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद सिंपल यहाँ पे पेजेस के अंदर जाना है। पेजेस में जाने के बाद देखें ये पेज जो होम पेज है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एडिट कर रहे हैं, तो ये सिलेक्टेड है। इसके सामने ये गेयर आइकन है, सिंपल इस पे जिस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे आप होम का इन्फॉर्मेशन तमाम टाइटल डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, नेविगेशन स्लग आप उसका एडिट कर सकते हैं, इनेबल पेज, पासवर्ड प्रोडक्ट आप अपने पेज को कर सकते हैं, और इसी पेज को आपने डुप्लीकेट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एसईओ का, अगर इस पेज की टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप एडिट एसईओ सेटिंग करके और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का उस स्पेसिफिक पेज के टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया इमेज है, अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक कहीं पे भी शेयर करेंगे किसी सोशल मीडिया के ऊपर, जो इमेज आप यहाँ पे लगाएंगे वो वहाँ पे शो होगी। अक्सर आप लोग किसी को इमेज का लिंक शेयर करते हैं तो उसके साथ एक इमेज शो हो रही होती है, तो यहाँ से वो इमेज आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एडवांस ऑप्शन है, किसी भी तरह का कोडिंग या आपने रोबोट DXP या किसी भी तरह के और कोड यहाँ पे ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये डायरेक्टली ऐड होगा हेड टैग के अंदर, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। इसके साथ साथ ही मैं बताता चलूँ आप लोगों को, लेट्स सपोज यहाँ पे हम होम पेज को एडिट कर रहे थे, आपने किसी और पेज को एडिट करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, उस पेज पे क्लिक करोगे और वो पेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन वो पेज सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे एडिट करोगे और उसी पेज की जो है एडिटिंग ऑप्शन मोड ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी एडिट करना चाहो, डिलीट करना चाहो वो कर सकते हो, करने के बाद सेव कर दोगे और फिर उसके बाद एग्जिट कर दोगे। इसी तरह किसी और पेज को आपने एडिट करना है तो वो करेंगे। मजीद पेजेस के अबाउट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानते हैं, मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।